दोस्तों तेजस मार्क 2 से संबंधित एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है जो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इस खबर की यकीनन भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि केवल 24 घंटों में ही तेजस मार्क 2 ने अपनी ग्रैंड एंट्री कर ली है। अब वो कैसे, वीडियो देखिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन तेजस मार्क 2 को लेकर जरूर दीजिएगा। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि तेजस मार्क 2 पर आखिर आप लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की कोई भी डिफेंस कंपनी हो, वो कोई भी हथियार बनाए, उसका सबसे पहला कारण होता है भारतीय ज़रूरत को पूरा करना, यानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पहले फुलफिल किया जाए। ये पहली चीज़ माइंड में रखी जाती है, उसके बाद ही किसी हथियार का निर्माण किया जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके लिए सेकेंडरी होता है, ये किसी भी देश के लिए लागू होता है। अमेरिका की भी कोई डिफेंस कंपनी कोई हथियार बनाएगी तो उसका सबसे पहला लक्ष्य होगा अपनी खुद की जरूरत पूरी करना। उसके बाद जो सेकेंडरी चीज आती है वो होती है एक्सपोर्ट वैल्यू ढूंढना कि आखिर ये किस काम आ सकता है और इसके लिए संभावित कौन सा देश हो सकता है जो इसे खरीद ले। अभी अगर तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो ज़्यादातर चीज़ें इसको लेकर जो निकल कर सामने आई थी, खासकर इंडियन एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई और कुछ हद तक हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए थे कि HAL इसे अपनी जिद के ऊपर बना रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए चांसेस देखे जा रहे हैं। हमारी एयरफोर्स इसे खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। अभी कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, VR चौधरी सर ने जब इंटरव्यू दिया ANI को तो वहाँ पर जो उन्होंने बातें कही उसको लेकर ऐसा लगता था कि MCA के लिए तो वो कमिटेड है, यानी MCA 220 प्लस की संख्या में भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा, ये चीज़ कन्फर्म है। MCA के लिए भारतीय एयरफोर्स एक्साइटेड भी है, लेकिन अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की तो उसके लिए एयरफोर्स कमिटेड नहीं दिखाई देती। और यहाँ तक की बातें निकल कर आई थी कि जब ये बन जाएगा उसके बाद इसको एवेलुएट किया जाएगा, यानी इसको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे मैच करवाने की कोशिश की जाएगी और जब सारी चीज़ें सूटेबल लगेंगी तब जाकर इसका नंबर डिस्क्लोज किया जाएगा कि हम लोग कितनी संख्या में इसे खरीदने वाले हैं। भाई इसके बाद भूचाल आ गया और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म भी किया गया। अब उसके 24 घंटे बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक इसको लेकर क्लेरिफिकेशन आया है और वो क्लेरिफिकेशन ये है कि इंडियन एयरफोर्स ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तेजस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा ना बने, यानी हमारी एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तेजस मार्क 2 को अपना हिस्सा बनाएगी। और जब शुरुआती दौर में बताया गया था कि कम से कम तेजस मार्क 2 की 6 स्क्वाड्रन भारतीय एयरफोर्स इंडक्ट करने वाली है, वो किए जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले कई बार इस बात को डिस्कशन किया था कि 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की भारतीय एयरफोर्स के लिए इनफ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें आने वाले कुछ एक सालों में जो 42 स्क्वाड्रन का नंबर अचीव करना है उसके लिए और ज़्यादा नंबर में हमें तेजस मार्क 2 इंडक्ट करने होंगे, और वो भी तब जब हम लोग MCA को 120 से ज़्यादा संख्या में इंडक्ट कर चुके होंगे और साथ ही MRFA में 114 फाइटर जेट खरीद चुके होंगे। उसके बावजूद आपको 6 स्क्वाड्रन से कई ज़्यादा तेजस मार्क 2 अपनी एयरफोर्स के लिए चाहिए ही होंगे, तभी जाकर आप वो 42 स्क्वाड्रन वाला आंकड़ा छू सकते हैं। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 2 को जितनी ज़रूरत इंडियन एयरफोर्स की नहीं है, उससे कई कई गुना ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत तेजस मार्क 2 की है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पहले भी एक्सपर्ट कह रहे थे कि तेजस मार्क 2 को नज़रअंदाज भारतीय एयरफोर्स द्वारा नहीं किया जा सकता, उनकी मजबूरी भी है, और चूंकि ये इतना ज़्यादा कैपेबल होगा इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। अल्टीमेटली आप इसे स्वदेशी रफाल तक कह सकते हैं। हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देखिएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद खुद कह देंगे कि भारत के लिए तेजस मार्क 2 भी सेम वही रोल प्ले करेगा जो कि इस समय रफाल कर रहा है। तो इन सारे सिनारियोज को देखते हुए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तेजस मार्क 2 का फ्यूचर क्या होगा। जब हम इसे एक्सपोर्ट के लिए उतारेंगे वो एक अलग चीज़ हो जाती है और वो बाद का स्टेप होगा। उससे पहले ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा, बड़ी मात्रा में बनेगा, इस बात का कंफर्मेशन अब खुद हमारी एयरफोर्स ने कर दिया है। वो जो इवेलुएट करके उसके बाद इसके नंबर की घोषणा करने की बात कही गई थी वो ये है कि 6 स्क्वाड्रन तो हम लोग खरीद लेंगे, उसके बाद कितने हमें चाहिए होंगे वो तब हम लोग बताएंगे जब हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी तो इसे और बड़े मात्रा में HAL को ऑर्डर किया जाएगा। तो कम से कम 6 स्क्वाड्रन तो भारतीय एयरफोर्स में शामिल होंगे तेजस मार्क 2, इस बात को आप कन्फर्म मान लीजिए। जय हिंद।